हेलो चिल्ड्रंस, गुड मॉर्निंग। ईवीएस चैप्टर 2, रीड इट। ह्यूमन बॉडी यानी हमारा शरीर। अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स, दे वर्क टुगेदर टू हेल्प अस टू डू अवर डेली चोर्स। हमारे शरीर में अलग अलग कई पार्ट्स होते हैं, जो सभी इनकी हेल्प से हम डेली के कार्य करते हैं। अवर बॉडी कंसिस्ट्स ऑफ हेड, चेस्ट, एब्डोमेन एंड लिम्ब्स। दीज पार्ट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। यानी कि हमारी बॉडी में जो अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे हेड है, चेस्ट है, एब्डोमेन है एंड लिम्ब्स है, ये सभी जो हैं अलग अलग फंक्शन, अलग अलग काम करते हैं बॉडी के अंदर। द हेड, अवर हेड कंटेन द ब्रेन। इट हेल्प अस टू थिंग्स। इट आल्सो कंट्रोल्स अवर मूवमेंट एंड फीलिंग्स। हमारा हेड यानी कि जो हमारा सिर है, इसके अंदर ब्रेन यानी दिमाग है, ये इसकी हेल्प से हम अपनी फीलिंग, सोचना, कार्य करना, मूवमेंट यानी जो भी कार्य करते हैं वो इस ब्रेन की वजह से ही करते हैं। द चेस्ट कंटेन द लंग्स एंड द हार्ट। द लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ। द एयर गोइज इन टू द बॉडी थ्रू द nostrils, it goes into the lungs and the used air come out of the nostrils. जो हमारा chest है इसमें lungs और heart दो चीज़ें होती हैं। तो हमारा first जो है lungs, इससे हम ब्रीथ यानी सांस लेते हैं। इनके द्वारा हमारी body में सांस, air, हवा अंदर बाहर आती जाती है। And second, the heart pump blood to all द पार्ट ऑफ अवर बॉडी। जो हमारा हार्ट है, जो हमारा दिल है, ये पंप का कार्य करता है। यानी कि ये हमारे जो ब्लड, खून होता है, वो पूरी बॉडी में पहुँचाने का कार्य करता है। द एब्डोमेन कंसिस्ट्स ऑफ द लीवर, द स्टोमच एंड द किडनीज। द लीवर हेल्प इन डाइजेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। ब्लो द चेस्ट इज द स्टोमच, द फूड वी ईट इज हेयर। जो हमारे पेट के अंदर लीवर एंड स्टोमच, ये हमारा पेट है, तो ये इसके अंदर किडनीज हैं, लीवर है। द लीवर हेल्प अस डाइजेशन। जो लीवर है वो हमारा किस में हेल्प करता है, डाइजेशन यानी जो भी भोजन हम करते हैं उसे डाइजेशन या हमारा भोजन पचाने का कार्य करता है और हमारे खून को साफ रखता है। बिलो द चेस्ट इन द स्टोमच, द फूड वी ईट रिच हेयर। द किडनीज आर टू बी इन शेप्स ऑर्गन्स, दे रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। किडनीज हमारे शरीर में क्या कार्य करती है, जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि खराब पदार्थ जो हैं उसे शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती है। द लिम्स, द हैंड एंड द लेग्स आर कॉल्ड लिम्स। लिम्स क्या है, हमारे हैंड और लेग्स, जो हमारे पैर और हाथ हैं उन्हें लिम्स कहते हैं। हैंड ही यस टू ईट, होल्ड राइट एंड लिफ्ट लाइफ थिंग्स। हमारे जो हैंड हैं वो अस टू ईट, होल्ड राइट एंड खाने के, लिखने के, सामान उठाने और रखने के कार्य में आते हैं। लेग्स हेल्प अस टू वॉक, किक, क्लिंप, रन, हॉप, डांस एंड स्किप। हमारे पैर कई तरह से हमारी हेल्प करते हैं, चलने में, दौड़ने में, मारने में, उचकने में, डांस करने में, सभी तरह से। द आर द लार्ज नंबर ऑफ बॉन्स एंड मसल्स इन ऑफ बॉडी। द बॉन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर द गिव शेप्स एंड फॉर्म टू अवर बॉडी। जो हमारे बॉन्स और मसल्स, बॉन्स यानी हमारी हड्डियाँ, मसल्स यानी हमारी जो नसें, जो मसल्स हैं हमारे ऊपर, बॉन्स के ऊपर, वो ये क्या, हमारी बॉडी को शेप देने के कार्य करते हैं। हमारी बॉडी को शेप होता है वो हमारी बॉन्स की वजह से, मसल्स की वजह से ही होता है। नेक्स्ट है अवर सेंस ऑर्गन्स। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स इन अवर बॉडी। द आईज, नोज, ईयर एंड टंग एंड स्किन आर अवर 5 सेंस ऑर्गन्स। They help us to see, hear, smell, taste and touch. ये जो हमारे 5 organs हैं, eye, ear, nose, tongue, skin, ये देखने के, feel करने के, सूंघने के और सुनने के सभी कार्य में आते हैं। First है हमारा eyes. We have 2 eyes. They help us to see different type of things around us, such as cartoon, serial and television. But in the sky, etc., they also help us to read books. Eyes जो है हमारे देखने के काम में आती है different तरीके से। हम cartoon देखते हैं, television देखते हैं, birds उड़ती है आसमान में, वो देखते हैं, they also help। और हमारी book पढ़ने में भी हम किसका help लेते हैं, अपनी eyes का।
नेक्स्ट है हमारा ईयर्स. वी हैव टू ईयर्स दे हेल्प अस टू हेयर डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड सच एज सॉन्ग्स डायलॉग्स ETC. दे आल्सो हेल्प अस टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी. जो हमारे ईयर्स हैं वो क्या कार्य करते हैं, सुनने का कार्य करते हैं. हमारे कान हमें अलग अलग तरह की आवाज़ें, हमारे डायलॉग्स, ये हमारे टीवी में सुनते हैं, आप लोग सॉन्ग सुनते हो, वो किससे सुनते हैं, आप अपने कानों से सुनते हैं. तो ये जो हमारे सुनने के कार्य में आते हैं. नोज़, वी हैव वन नोज़, इट हेल्प अस टू स्मेल डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स अराउंड अस सच एज फूड फ्लावर्स एंड परफ्यूम्स ETC. आवर नोज़ आल्सो हेल्प अस टू ब्रीथ. हमारी नोज़ जो है वो हमें डिफरेंट तरीके से स्मेल यानी कि खुशबू सूंघने का कार्य करती है. जैसे फूड खाने की, फ्लावर फूलों की, परफ्यूम की, ये सब स्मेल हमें किससे आती है, अपनी नोज़ से, टंग. द हैव अवर टंग इज हेल्प अस टू टेस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेवर सच इन केक, आइसक्रीम, बटर, हनी ETC. इट आल्सो हेल्प अस टू डिफरेंट बिटवीन बिटर एंड स्वीट टेस्ट. जो हमारी टंग है वो क्या टेस्ट का कार्य करती है, जो हम किसी कोई भी भोजन जब खाते हैं तो वो उसकी टेस्ट हमें किससे आता है, टंग से आता है. ऐसे हम केक, आइसक्रीम, बटर, हनी यानी शहद वगैरह जो भी कुछ खाते हैं, मीठा और खट्टा, वो हमें टेस्ट किससे आता है, अपनी टंग से. नेक्स्ट है स्किन. Our whole body is covered with skin. It helps us to feel the touch of anything such as hard, soft, hot, cold, smooth and rough surface. जो हमारी स्किन है वो किसका कार्य करती है, हमारा बॉडी को कवर करने का कार्य करती है. यानी हमारी बॉडी के ऊपर क्या है, जो हमारी स्किन है वो कैसी होती है, सॉफ्ट होती है. और ये टच एनीथिंग सच एज हार्ड, सॉफ्ट, हॉट, कोल्ड, ये हमें ठंडा, गर्म, सब तरह की फीलिंग्स, जब कोई हमें टच करता है, हमारे हम सर्दी होती है तो हमें महसूस होती है कि हम ठंड लग रही है, गर्मी होती है, तो वो किससे होती है, हमारी स्किन से होती है. ये आपका पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है, ह्यूमन बॉडी आपने अच्छी तरह समझा होगा. इसको एक बार और आप रीड करेंगे. ये वर्क जो है वो मैंने आपको दिया था, आपने नोटबुक में करना है. चिल्ड्रंस